हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास ये फिलिप्स का जो है ट्रिमर आया हुआ है जिससे सेविंग की जाती है, ये आया था। इसमें क्या हुआ है कि ये हमारा चल नहीं रहा था, ठीक है। कुछ दिन चला, उसके बाद में चलना बंद हो गया, यानी कि इसमें बैटरी प्रॉब्लम हमें लग रही थी। मैंने बैटरी क्या है मार्केट से परचेज़ किया, लेकिन इसकी साइज़ की बैटरी नहीं मिली। इसको ओपन किया जब तो देखा यहाँ पर छोटी सी बैटरी लगी हुई थी, तो वो बैटरी हमको मिल नहीं पाई मार्केट में। देखो जूम करो, हाँ जूम करने के बाद यहाँ पर एक बैटरी लगती है, वो बैटरी हमें मार्केट में नहीं मिल पाई। तो मार्केट से नहीं मिल पाए तो मेरे पास ये बैटरी मिली मेरे को, जो कि रिचार्जेबल है। इसको दोबारा से हम चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिचार्जेबल बैटरी है, और जो रेडी रेडी टू यूज़, इसको यूज़ करने के लिए क्या है, रेडी है, तैयार है, ठीक है। अगर देखें तो इसमें यहाँ पे लिखा है 1.2 वोल्ट की है और 2100 mAh की है, ठीक है, मिली एम्पियर की है, यानी कि 2100 मिली एम्पियर की है और 1.2 वोल्ट की है। मैं जूम कर दिया है, आप देख लीजिए, ये यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि 1.2 वोल्ट की है और क्या है कि 2100 मिली एम्पियर की है। इस बैटरी को अगर हम इसमें लगा दें तो ये हमारी प्रॉपर वर्क करेगी, क्योंकि फ्लिप्स हमारा ये जो है डीसी मोटर इसमें लगी हुई है, ठीक है। ये 1.2 वोल्ट पे चल जाएगी आराम से, और 2100 जो हमारा MAH है उस पर ये वर्क कर जाएगा अच्छे से। ये आपको अगर देखना है तो अभी देखना, मैं इसको लगाऊंगा, इसमें लगाने के बाद चला के देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता है। ये मेरा कहना है कि चलेगा, चलना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों वायर जो इसमें लगी हुई थी इसके सेल में, उसको हमने निकाल लिया है। ये हमारी न्यूट्रल वायर थी और ये हमारी फेस वायर बनी हुई थी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं। बैटरी में जो ऊपर प्रोब होता है, ये आपका फेस का प्रोब होता है, ये न्यूट्रल का प्रोब होता है। इसमें हमने शोल्डर पहले से कर लिया है, ये शोल्डर पहले से कर लिया ताकि ये अच्छे से पकड़ ले, ठीक है। तो ये अच्छे से पकड़ ले, तो ये यहाँ पर लगाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं, उसके बाद चला के इसको दिखाते हैं। न्यूट्रल वायर को सबसे पहले, ये न्यूट्रल वायर को इससे बैग में, और ये जो फेस वायर है यहाँ पे कनेक्ट किया, ये फेस प्रोब होता है। इसको रख के मैं आपके साथ, पूरा लाइव वीडियो है, और वीडियो को अगर तुमको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो लगातार बार बार हज़ार बार आपको मिलती रहेगी। ऐसे ऐसे टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी अच्छी से अच्छी, हेयर ड्रायर की, प्रेस की, इसकी, एसी की, इन सब की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, लगातार मिलती रहेंगी। अगर कोई भी चीज़ आपकी घर होम अप्लायंस है तो उसकी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। होम अप्लायंस से रिलेटेड ये चैनल है। ये हमने कनेक्ट कर लिया है न्यूट्रल को न्यूट्रल से, और फेस को फेस से कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है, यहाँ पे मोटर है, यही ऑपरेट करता है। अब इसको करने के लिए आगे स्विच दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ स्विच है, इससे ये चलता है, ठीक है। मैं करता हूँ, एक पे लगा सकते हो, इसको सेट कर सकते हो, एक पे, दो पे, तीन पे, जैसे आपको करना है, ठीक है। हमने एक पे कर रखा है अभी, और ऊपर देखते हैं यहाँ पर ये मोटर चलनी चाहिए। यहाँ से मैं ऑन करूँगा, मैंने ऑन कर दिया है, ये आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है, ये मोटर भी चलना स्टार्ट हो गया। मैं ऑफ़ करता हूँ, देखता हूँ, ये ऑफ़ कर दिया है, तो ये हमारी बैटरी पूरी चार्ज है तब भी इतनी स्पीड में चल रहा है। फिर ऑन करते हैं, ये हमारा चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, काफ़ी तेज़ चल रहा है, स्पीड भी अच्छी है। मैं इसको बंद करता हूँ, बंद कर लिया है। अब मैं इसको पैक करता हूँ, पैक करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कोई चीज़ कट करके कि अच्छे से कट हो रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। पूरा लाइव वीडियो है, आप देख पा रहे हो कि मैं आपके सामने इसको पैक करता हूँ। पैक करना कुछ नहीं, ये कैबिनेट जो हमने खोला था इसको ऐसे ओपन, ऐसे जैसे ओपन किया था, ये आपको ओपन करना नहीं पता है तो बताइए, मैं ओपन करके फिर से दिखा दूंगा। ये है, कुछ नहीं करना है, इसमें साइड से लगा के इसको ड्राइवर ओपन कर देना, ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ से काट दिया है ताकि ये वायर अच्छे से निकल पाए, बाहर निकलना है। लगाने के बाद इसको दबा देना है पूरा आगे तक, अच्छे से देख लेना है कि दब गया है, फिट हो गया है कि नहीं हुआ है, ये चेक कर लेना है, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है जिससे हमको प्रॉब्लम हो। ये साइड से देखो पूरा बैठ गया, यहाँ आगे दिख रहा है आपको नहीं बैठा हुआ, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठा हुआ है वो। ये आगे यहाँ पे ये भी लगता है आपका, और ये वायर जो आपका कट करता है वो भी लगता है। तो मैं इसको फिर से ओपन करके देख लेता हूँ कि दबाते हुए कहीं ये वायर कट तो नहीं गई है, चले ना, देख लेता हूँ, चल रहा है यानी कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, आपका जो ये ब्लेड लगी हुई है, ब्लेड को कनेक्ट करने के लिए ब्लेड को ऊपर रखते हैं हल्का से, और ये पीछे से बैठा देते हैं, बैठ गया आसानी से। और ये हमारा सेट करने के लिए, नंबर सेट करने के लिए कितने नंबर पे हमको चलाना है, इसको ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। लगाने की ज़रूरत है तो लगाइए, नहीं तो नहीं। मैं ऐसे करके आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद चला के, ये ब्लेड लग गई, लगने के बाद भी ऑपरेट कर रही है, चल रही है, ब्लेड की आवाज़ आ रही है, ठीक है।
अब क्या करना है कि ये हमारा पैक हो चुका है, बिल्कुल हम ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं इसको। हम चलो दो पे सेट करके चला के दिखा देते हैं, ये दो पर भी चल रहा है, तीन पे करके दिखा लेते हैं, चार पे दिखा देते हैं, चार पे भी चल रहा है, पाँच पे भी, छः सात आठ नौ दस तक चला सकते हैं, ठीक है, दस पे भी चल रहा है। ये जैसे जैसे हम इसको जीरो करते चले जाएंगे वैसे हमको क्या है कि अपनी सेविंग छोटा, मतलब बाल उतने छोटे होते चले जाएंगे। जीरो पे कर देंगे यानी कि वन पे कर देंगे तो बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल पतला एकदम कर देगा। और उस और पे का चार पाँच छः सात आठ नौ दस पे करोगे तो उतने बड़ी रहते चले जाएंगे। ये आप लगा के करेंगे, ये नंबरिंग आप करेंगे, ठीक है। ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो लगातार बार बार हज़ार बार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल।